नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू तस्वीरों में एक साथ दिखाई थी। राजनीतिक विशेषज्ञ इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। बता दें कि पायलट को कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया था। हिमाचल चुनाव में कांग्रेस को शानदार यहां पर सफलता मिली थी। दोनों नेताओं ने एक साथ गुफ्तगू के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चल रहे कांग्रेस के 85वें अधिवेशन के आखिरी दिन दोनों नेता गुफ्तगू करते हुए दिखाई दिए। दरअसल हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और सचिन पायलट शनिवार को रायपुर में एक साथ दिखे। कांग्रेस के अधिवेशन में दूसरे दिन दोनों नेता लंबी बातचीत करते नजर आए। उस दौरान उनके बीच किस मुद्दे पर बात हुई ये तो वही जानते हैं, लेकिन उनके इस गुफ्तगू की तस्वीर ने राजस्थान के सियासी गलियारे में हलचल जरूर पैदा कर दी है। फिलहाल राजस्थान की सियासत में रायपुर से एक तस्वीर की काफी चर्चा है। ये तस्वीर है सचिन पायलट की राजस्थान के प्रभारी रह चुके अजय माकन संग बातचीत। इसमें दोनों नेताओं के बीच जैसी केमिस्ट्री नजर आ रही है वो सीएम गहलोत को परेशान जरूर करेगी, लेकिन इसके सूबे की सियासत में क्या असर होगा ये देखना बाकी है। बता दें कि पिछले साल 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बहिष्कार से नाराज अजय माकन ने प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया था। सचिन पायलट को हिमाचल चुनाव में पर्यवेक्षक बनाया गया था। हिमाचल चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। बता दें जयपुर में 25 सितंबर को सूबे के सीएम पद को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। हालांकि बैठक से पहले ही गहलोत खेमे के करीब 80 से ज्यादा विधायकों ने इसका कार कर दिया था। यही नहीं, इस घटनाक्रम को लेकर अजय माकन काफी नाराज हुए थे और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के रवैये पर सवाल भी उठाए थे। ऐसा विधायकों की ओर से पार्टी लाइन की अवहेलना करने और समांतर बैठकें आयोजित करने की वजह से हुआ था। यही नहीं, दोनों नेता आमने सामने आते दिखाई दिए थे। लेकिन अब आपका क्या मानना है यहाँ पर? सुखजिंदर सिंह सुक्खू ही है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर पायलट को सीएम पद दिलाने में मदद करेंगे, जिस तरीके से पायलट ने की। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।